राधे राधे सभी को। तो भक्तों, वृंदावन इस समय भक्ति रस की धारा बह रही है। जब सारी दुनिया सोती है उस समय वृंदावन एक अलग ही भक्ति में वातावरण होता है। दूर दूर से भक्त लोग आकर उस भक्ति धारा में गोते लगाते हैं और जब सुबह पूज्य महाराज जी आश्रम के लिए आते हैं तो भक्त लोग राधे राधे के जयकारों के साथ पूज्य महाराज जी को प्रणाम करते हुए उनके दर्शन करते हैं। इसके बाद कुछ श्रद्धालु अपनी दिनचर्या में वापस लौट जाते हैं तथा कुछ श्रद्धालु महाराज जी के पीछे पीछे आश्रम तक जाते हैं। उनमें बहुत से भक्त लोग पहली बार ही दर्शन को आए हुए होते हैं तथा उनको आश्रम में सत्संग सुनने की इच्छा होती है, परंतु आश्रम में सत्संग सुनने के लिए आपके पास टोकन होना चाहिए और जो एक दिन पहले ही लोगों में बांट दिया जाता है तथा आश्रम में ज़्यादा जगह न होने पर टोकन सीमित मात्रा में बांटे जाते हैं। तो भक्तों, आज हम बात करेंगे पूज्य श्री पेमान जी महाराज का सत्संग बिना टोकन के कैसे सुने। तो बात यह है कि पूज्य महाराज जी के केलीकुंज आश्रम में जहाँ सत्संग होता है वहाँ जगह ज़्यादा नहीं है, इसलिए कुछ ही लोगों को सत्संग का टोकन मिलता है, परंतु सत्संग सुनने की इच्छा तो सभी को होती है, तो इसकी भी व्यवस्था आश्रम की तरफ से की जाती है। जब पूज्य महाराज जी सुबह भक्तों को दर्शन देते हुए आश्रम पहुँच जाते हैं तो जिन लोगों को सत्संग सुनना होता है तथा उनके पास टोकन नहीं होता, उनकी व्यवस्था केलीकुंज आश्रम के बगल में एक आश्रम है, गौतम ऋषि आश्रम, उसमें की जाती है। वहाँ पर आपको टीवी एलईडी के माध्यम से लाइव सत्संग सुनने का मौका मिलता है। यह आश्रम केलीकुंज के मेन गेट से लगभग 50 कदम की दूरी पर तथा गेट नंबर 2 के पास पड़ता है। जब पूज्य महाराज जी आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं तब इस आश्रम के गेट खोल दिए जाते हैं। इसके बाद आप इस आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। आप आश्रम में जाकर बैठ जाएं और सेवादारों के दिशा निर्देशों का पालन करें। लगभग 4:15 बजे पूज्य महाराज जी का सत्संग शुरू होता है और जब सत्संग शुरू हो जाए तो सत्संग लाभ लें। राधे राधे। आप सभी से प्रार्थना है, जिनके पास टोकन नहीं है वो लोग गौतम ऋषि आश्रम में बैठ के सत्संग सुन सकते हैं। आप सभी से प्रार्थना है, जिनके पास टोकन नहीं है हम लोग आगे गौतम ऋषि आश्रम है 50 कदम पे, आप लोग वहाँ जाकर के बैठ के सत्संग सुन सकते हैं। रोड पर ना खड़े हो, अन्यथा आप लोग अपने अपनी दिनचर्या में जा सकते हैं। आप सभी से प्रार्थना है, आप लोग रोड पर ना खड़े हो, आप लोग गौतम ऋषि आश्रम में बैठे हैं अन्यथा आप लोग अपनी अपनी दिनचर्या में जा सकते हैं। टेम्परेचर के बाहरों को आने जाने दीजिएगा, आप लोग रोड पर ट्रैफिक ना लगाए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, नहीं तो राधे राधे लिखते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और राधे राधे जपते रहें। राधे राधे।